What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 31st October 2019 थर्सडे है, सुबह के 7:59 हो रहे हैं। आज मंथली एक्सपायरी का दिन है, काफ़ी वोलेटाइल मार्केट हो सकता है, काफ़ी उतल पुतल देखने को मिल सकती है। सो जो फ्रेशर्स है आज के लिए थोड़ा अवॉइड करें ट्रेडिंग करना, अगर ट्रेड करते हैं तो क्विकली प्रॉफिट बुक करके बाहर निकले, एक्सपीरियंस करें आज के वोलेटाइलिटी को, कैसे मार्केट बिहेव करता है उसको स्टडी करने की कोशिश करें। आज निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, हमने देखा कि जैसे ये टैक्स रिफॉर्म होने की खबर बाहर आई है तभी से निफ्टी इंडेक्स में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। कल भी गैप अप ओपन हुआ, हालांकि ऊपरी लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर की लेवल पे, और नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी। तो आज निफ्टी इंडेक्स में क्या लेवल्स हो सकते हैं इंट्राडे के लिए उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले कल का जो एनालिसिस किया था उसका क्विकली रिव्यू करेंगे। ये एक पिक्चर है कल का, यानी 30th October आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर या आई बटन में उस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,809 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,775। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी इंडेक्स कल गैप अप ओपन हुआ और हमारा जो सेकेंड टारगेट था इसी के ऊपर ये ओपन हुआ, तो शुरू में तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता, और जैसे ये यहाँ से टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ तो ये जो 20 EMA का ये पिंक लाइन है इसका सपोर्ट टेस्ट करके फिर से बाउंस बैक हुआ, और तभी हमारा ब्रेकआउट लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 11,827 और सेकेंड टारगेट 11,855 ये यहाँ पर अचीव्ड हुआ। और आप देख सकते हैं काफ़ी समय इस सेकेंड टारगेट के लेवल के पास ये पेनेट्रेट होते रहा, ट्रेड होते रहा। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 32 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 24,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू, चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात भी देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार में शानदार तेजी दिखाई दी। कल यूएस फेडरल रिजर्व ने फिर से इंटरेस्ट रेट था वो कट कर दिया, उसके बाद मार्केट में वहां पर तेजी देखने को मिली। और यूरोपियन मार्केट देखे तो लंदन और फ्रांस मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो जापानीज इंडेक्स और हांगकांग इंडेक्स में हमें जबरदस्त बढ़त देखने को मिल रही है, हालांकि चाइना मार्केट में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी हल्की सी बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है, और एसजीएक्स निफ्टी 43 पॉइंट्स की बढ़त इस समय दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से भी पॉजिटिव संकेत है। निफ्टी में क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, अभी क्या कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है ये देखते हैं, और आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे। वीकली चार्ट से शुरू करेंगे, ये वीकली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का। ये जो अपसाइड रैली हमें देखने को मिला था इसका जो फर्स्ट सिग्नल था ये इसका सिग्नल ये हमें आरएसआई ने दिया था। आरएसआई में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन हुआ था, अगर आप हमें कई दिनों से अगर फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन यहाँ पर देखा था, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर। इसके नेक लाइन का ब्रेकआउट मिलने के बाद हमें प्राइस एक्शन में भी जबरदस्त ये यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर हमने ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन देखा था यहाँ पर, अभी इसके नेक लाइन का भी ब्रेकआउट मिल गया है, ये नेक लाइन इसका ब्रेकआउट मिल गया है। तो फिबोनाची एक्सटेंशन थ्रू हमने ये आने वाले प्रोजेक्ट्स को, आने वाले लेवल्स को यहाँ पर प्रोजेक्ट किया था। तो अभी एक और लेवल यहाँ पर ऐड कर दिया है 76.4, ये फिबोनाची रेशियोज है। तो इसका ये जो लेवल है 11,872 ये कल ऑलमोस्ट अचीव्ड हो गया, और अभी इसके बाद अगर ये इस लेवल के भी ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फर्स्ट यहाँ से इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा 12,000 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। और 12,000 को अगर ब्रेक करता है तो ऊपर में 100% का फर्स्ट हमारा ये 12,114 का टारगेट और रेजिस्टेंस भी होगा, और उसके बाद फिर हमें 12,300 तक निफ्टी इंडेक्स ये
ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि कई इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, ये 12,000 का है जहाँ से पास्ट में निफ्टी इंडेक्स टर्न हुआ था टूवर्ड साउथ की तरफ, तो 12,000 काफ़ी क्रूशियल होगा। आज भी हो सकता है गैप अप ओपन हो, लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है तो हर एक ऊपरी लेवल पे हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। तो स्ट्रक्चर एक्सट्रीम बुलिश है, हर एक ऊपरी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है। तो जैसे जैसे ये अपर ऊपर के लेवल्स को ब्रेक करता है, तब अभी अपनी नई पोजीशन आप ओवरनाइट के लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है वीकली चार्ट का सिनारियो। डेली चार्ट में चलते हैं। डेली चार्ट में अगर आप ध्यान से देखें तो एक कल जो ये कैंडल फॉर्म हुआ है, ये हैंगिंग मैन कैंडल जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है, कन्फर्मेशन नहीं होता, सिर्फ सिग्नल है। अगर यहाँ पर ऐसे बियरिश कैंडल अगर फॉर्म होता है, यहाँ पर ऐसे बियरिश कैंडल फॉर्म होता है और इस कैंडल का लो अगर ब्रेक करता है, तो ये पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और ट्रेंड रिवर्सल का हमें सिग्नल के साथ कन्फर्मेशन मिलेगा। तो ये कल सिग्नल है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, लेकिन जब तक इसका लो ब्रेक नहीं करता तब तक हमें यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। काफ़ी ऊपर तक निफ्टी इंडेक्स चला गया, प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। तो अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आता है तो फर्स्ट यहाँ पर इमीडिएट सपोर्ट होगा 11,720 के पास, एक फर्स्ट सपोर्ट होगा, और उसके बाद 11,600 ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा। तो डेली चार्ट में अभी फिलहाल ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो जब तक ये ऊपर के लेवल्स को कंफर्टेबली ब्रेक ना करे, सस्टेन ना करे, तब तक यहाँ से ऊपर ओवरनाइट पोजीशन बनाने के लिए अभी जल्दबाजी ना करे। तो ये है डेली चार्ट का सिनारियो। वीकली चार्ट हमने देखा, चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। क्विकली आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। कल आप देख सकते हैं गैप अप ओपन होने के बाद ये प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी, टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ, फिर से कोशिश की एक बार इसने टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ जाने के लिए, लेकिन दो बार इस लेवल से ये फेल हुआ। तो जब तक ये कल का हाई नहीं ब्रेक करता और इसके ऊपर ये R1 का पिवट पॉइंट का लेवल है, तो जब तक ये R1 को क्लियरली ब्रेक नहीं करता, इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक हम यहाँ पर बाय पोजिशन बनाना काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो अगर ये 11,088 ये 890 कर देता हूँ, 11,890 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,917, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 11,937 जो कि पिवट पॉइंट का R2 का लेवल है। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो आप देख सकते हैं ये बियरिश कैंडल का लो और उसके पहले दो तीन आर पहले यहाँ से ये टर्न हुआ था टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ। तो ये जो लो है, ये जो दोजी फॉर्मेशन हुआ है ये आर्ली कैंडल का, इसका लो 11,817 है। अगर ये ब्रेक होता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,798, इसे राउंड फिगर कर देते हैं 11,800, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 11,775, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। So thank you very much and happy trading.